असलकुम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है यूपी स्पेशल जाएगा तो आज मैं आप सभी के लिए विंटर स्पेशल क्रिस्पी कुरकुरे पकौड़े लेकर आई हूँ वो भी हरी प्याज के जी हरी प्याज के जिसकी आज तक आपने सबने सब ने खाई होगी आज हम उसी से बनाएंगे हरी प्याज के पकौड़े तो देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है मैंने लिए एक कढ़ाई कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं वन टीस्पून साबुत धनिया दस से बारह काली मिर्च और वन टीस्पून स्पून सौफ और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे जीरा और इन सभी को हम मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे याद रखिएगा हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है नहीं तो हमारा पकौड़ी का जो टेस्ट है वो बेकार हो जाएगा तो बिल्कुल हल्की सी खुशबू आने पर हम इसको बंद कर देंगे तो हमारा मसाला हो चुका है रोस्ट इसको मैं साइड में निकाल लेती हूँ और इसको मैं ड्राई मिक्सचर में ग्राइंड कर लूँगी वन साइड मैंने ली है 200 ग्राम चने की दाल जिसे मैंने चार से पाँच घंटे के लिए भिगोया था आप चाहें तो इसे ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं तो इसका हम एक थिक पेस्ट बनाएंगे तो मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है अगर आपका पेस्ट बिना वाटर के नहीं पीस रही है ये दाल तो आप स्पून की हेल्प से पेस्ट से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डाल सकते हैं तो इसमें मैंने सबसे पहले ऐड किया है चुटकी भर हींग दस से बारह हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ड्राई रोस्ट मसाला जो मैंने रोस्ट किया है वो मसाला मैंने पीस लिया था ग्राइंड में वो मैंने ऐड किया है वन एंड हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च आप चाहें तो लाल मिर्चों को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की हैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून ऐड करेंगे हम इसमें नमक एंड वन फोर टी स्पून से थोड़ा सा कम हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और इन सभी को कर देंगे हम अच्छे से मिक्स देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें ऐड करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हमें बेकिंग सोडा की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए अगर हम बेकिंग सोडा ज़्यादा ऐड कर देंगे मसाले में या पकौड़ी की बेसन में तो इससे क्या होगा जब हम पकौड़ी फ्राई करेंगे तो वो पकौड़ी ऑयल को सारा ऑब्ज़र्व कर लेंगी तो अब इसमें ऐड करेंगे हम बारीक कटी हुई हरी प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और जो आगे छोट छोटी सी प्याज लगी होती है हरी प्याज में उसको भी मैंने कट कर लिया है और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे याद रखिएगा इस पकौड़ी को बनाते समय हमें डायरेक्ट इसे बेसन में मिक्स करना है और डायरेक्ट इसको फ्राई कर लेना है क्योंकि जो अनियन हरी प्याज होती है वो अपना पानी रिलीज़ करती है तो फिर ये हमारी पकौड़ी गीली गीली हो जाएगी तो मैंने इसको डायरेक्टली मिक्स किया है बेसन में और एकदम से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर गर्म किया है और ऑयल जब हमारा हाई फ्लेम पर गर्म हो जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम कर लेंगे क्योंकि हमें पकौड़ी को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना चाहिए अगर हम पकौड़ी को हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो हमारी जो पकौड़ी होती है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से फ्राई हो जाती है और अंदर से कच्ची रहती है तो ये है पकौड़ी फ्राई करने की स्पेशल ट्रिक जो मैंने आपको शेयर की है कि आपको हमेशा पकौड़ी लो टू मीडियम फ्लेम पर फ़्राई करनी चाहिए और याद रखिएगा जब आपको लगे कि आपकी एक साइड से पकौड़ी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है तभी हम इसकी साइड को चेंज करेंगे तो देखिए पकौड़ी एक साइड से फ्राई हो चुकी है तीन मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था और ये अच्छे से नीचे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे अगर आप तुरंत पकौड़ी डालने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे तो आपकी पकौड़ी नीचे से फट भी सकती है और टूट भी सकती है और फिर इसकी शेप भी खराब हो जाएगी तो देखिए है ना ये हरी प्याज के पकौड़े कितने आसान और कितना जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं तो मैंने इसको कर लिया है लाइट ब्राउन फ्राई और इसको अब मैं निकाल लेती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस भी सेम हम ऐसा ही करेंगे मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे अगर आप डार्क ब्राउन फ्राई खाना पसंद करते हैं जैसे कि कुछ लोगों को डार्क ब्राउन फ्राई पकौड़ी पसंद होती है तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं मुझे लाइट ब्राउन पसंद है तो मैंने इसको कर लिया है वैसे ये पकौड़ी बनकर बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट से और घर के ही मौजूद किचन में अवेलेबल सामान से बनकर तैयार हो जाती है आ जाए घर में कोई भी मेहमान अचानक से तो आप झटपट इस रेसिपी को बनाकर उन्हें खिला सकते हैं तो कैसी लगी आप सभी को ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें